सभी द्वैतवादी सिद्धांतों के साथ एक कठिनाई ये है कि असंख्य सद्गुणों के भंडार न्यायी एवं दयालु ईश्वर के राज्य में इतने कष्ट कैसे हो सकते हैं। ये प्रश्न हर द्वैतवादी धर्म के समक्ष है, पर हिंदुओं ने कभी भी इसे सुलझाने के लिए शैतान की कल्पना नहीं की। हिंदुओं ने एक मत से स्वयं मनुष्य को ही दोषी माना है और उनके लिए ऐसा मानना आसान भी था। क्यों? इसीलिए कि जैसा मैंने तुमसे अभी कहा, वे मानते हैं कि आत्मा की सृष्टि शून्य से नहीं हुई है। इस जीवन में हम देखते हैं कि हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। हम में से प्रत्येक हर रोज आने वाले कल के निर्माण में लगा रहता है। आज हम कल के भाग्य को निश्चित करते हैं और इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। इसीलिए इस तर्क को हम यदि पीछे की ओर ले चलें तो भी यह पूर्णतः युक्तिसंगत होगा। अगर हम अपने ही कर्मों से भविष्य को निश्चित करते हैं तो यही तर्क हम अतीत के लिए भी क्यों न लागू करें। अगर किसी अनंत श्रृंखला की कुछ कड़ियों की पुनरावृत्ति होते हम बार बार देखते हैं तो कड़ियों के इन समूहों के आधार पर हम समूची श्रृंखला की भी व्याख्या कर सकते हैं। इसी तरह इस अनंत काल के कुछ भाग को लेकर अगर हम उसकी व्याख्या कर सकें और समझ सकें तो यही व्याख्या समय की समूची अनंत श्रृंखला के लिए भी सत्य होगी। यदि प्रकृति में एकरूपता हो तो काल की संपूर्ण श्रृंखला पर यही व्याख्या लागू होगी। अगर ये सत्य है कि इस छोटी सी अवधि में हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं और अगर ये सत्य है कि हर कार्य के लिए कारण अपेक्षित है तो ये भी सत्य है कि हमारा वर्तमान हमारे संपूर्ण अतीत के परिमाण स्वरूप या परिणाम स्वरूप है। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि मनुष्य के भाग्य के निर्माण के लिए मनुष्य ही उत्तरदायी है और कोई नहीं। यहां जो कुछ भी अशुभ दिखता है उसके कारण तो हम ही हैं। हम लोग ही सारे पापों की जड़ हैं और जिस तरह हम ये देखते हैं कि पापों का परिणाम दुखप्रद होता है, उसी तरह ये भी अनुमान किया जा सकता है कि आज जितने कष्ट देखने को मिलते हैं उन सब के मूल में वे पाप हैं जिन्हें मनुष्य ने अतीत में किया है। इसीलिए इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ही उत्तरदायी है, ईश्वर पर दोष नहीं लगाया जा सकता। वो जो चिरंतन परम दयालु पिता है कैसे दोषी माना जा सकता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। द्वैतवादियों का एक दूसरा विचित्र सिद्धांत यह है कि सभी आत्माएं कभी न कभी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेंगी, कोई भी छूटेगी नहीं। नाना प्रकार के उत्थान पतन तथा सुख दुख के भोग के उपरांत अंत में ये सभी आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। आखिर मुक्त किससे होंगी? सभी हिंदू संप्रदायों का मत है कि संसार से मुक्त हो जाना है। न तो ये संसार जिसे हम देखने तथा अनुभव करते हैं और न वो जो काल्पनिक है अच्छा और वास्तविक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही शुभ और अशुभ से भरे पड़े हैं। द्वैतवादियों के अनुसार इस संसार से परे एक ऐसा स्थान है जहाँ केवल सुख और केवल शुभ ही है। जब हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो जन्म मरण के पाश से मुक्त हो जाते हैं। कहना ना होगा कि ये कल्पना उन्हें कितनी प्रिय है। वहां ना तो कोई व्याधि होगी ना मृत्यु, वहां शाश्वत सुख होगा और सदा वे ईश्वर के समक्ष रहते हुए परमानंद का अनुभव करते रहेंगे। उनका विश्वास है कि सभी प्राणी कीट से लेकर देवदूत और देवता तक कभी ना कभी उस लोक में पहुंचेंगे ही जहां दुख का लेश भी नहीं होगा, किंतु अपने इस जगत का अंत नहीं होगा। तरंग की भांति ये सतत चलता रहेगा, निरंतर परिवर्तित होते रहने के बावजूद इसका कभी अंत नहीं होता। मोक्ष प्राप्त करने वाली आत्माओं की संख्या अपरिमित है। उनमें से कुछ तो पौधों में हैं, कुछ पशुओं में, कुछ मनुष्यों में तथा कुछ देवताओं में हैं, पर सब के सब उच्चतम देवता भी अपूर्ण हैं, बंधन में हैं। ये बंधन क्या है? जन्म और मरण की अपरिहार्यता। उच्चतम देवों को भी मरना पड़ता है। देवता क्या है? वे विशिष्ट अवस्थाओं या पदों के प्रतीक हैं। उदाहरण स्वरूप इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, एक पद विशेष के प्रतीक हैं। कोई अत्यंत उच्च आत्मा इस कल्प में उस पद पर विराजमान है।
इस कल्प के बाद पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी और इस कल्प में जो दूसरी उच्चतम आत्माएं होंगी वो उस पद पर जाकर आसीन होंगी। ठीक यही बात अन्य सभी देवताओं के बारे में भी है। वे विशिष्ट पदों के प्रतीक हैं, जिन पर एक के बाद एक करोड़ों आत्माओं ने काम किया है और वहां से उतरकर मनुष्य का जन्म लिया है। जो मनुष्य कल की आकांक्षा से इस लोक में परोपकार तथा अच्छे काम करते हैं और स्वर्ग अथवा यश प्राप्ति की आशा करते हैं, वे मरने पर देवता बनकर अपने किए का फल भोगते हैं। याद रहे कि ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष फल की आशा रखने से नहीं मिलता। मनुष्य जिस किसी भी चीज की आकांक्षा करता है, ईश्वर उसे वो देता है। आदमी शक्ति चाहता है, पद चाहता है, देवताओं की भांति सुख चाहता है, उसकी इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, पर उसके कर्म का कोई शाश्वत फल नहीं होता। एक निश्चित अवधि के बाद उनके पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, चाहे वो अवधि कितनी भी लंबी क्यों ना हो। उसके समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तब वे देवता पुनः मनुष्य हो जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का दूसरा अवसर मिलेगा। निम्न कोटि के पशु क्रमशः मनुष्यत्व की ओर बढ़ेंगे, फिर देवत्व की ओर, और तब शायद पुनः मनुष्य बनेंगे अथवा पशु हो जाएंगे। ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक वे वासना से रहित नहीं हो जाते, जीवन की तृष्णा को नहीं छोड़ देते और मैं और मेरा के मोह से मुक्त नहीं हो जाते। ये मैं और मेरा ही संसार में सारे पापों का मूल है। अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो कि क्या तुम्हारा बच्चा तुम्हारा है, तो वो फौरन कहेगा ये तो ईश्वर का है, मेरी संपत्ति मेरी नहीं बल्कि ईश्वर की है, सब कुछ ईश्वर का है। ऐसा ही मानना चाहिए। भारत में ये द्वैतवादी पक्के निरामिष तथा अहिंसावादी हैं, किंतु उनके ये विचार बौद्ध लोगों के विचारों से भिन्न है। अगर तुम किसी बौद्ध धर्मावलंबी से पूछो आप क्यों अहिंसा का उपदेश देते हैं, तो वो उत्तर देगा हमें किसी के प्राण लेने का अधिकार नहीं है। किंतु अगर तुम किसी द्वैतवादी से पूछो आप जीव हिंसा क्यों नहीं करते, तो वो ये कहेगा क्योंकि सभी जीव तो ईश्वर के हैं। इस तरह द्वैतवादी मानते हैं कि मैं और मेरा का प्रयोग केवल ईश्वर के संबंध में ही करना चाहिए। मैं का संबोधन केवल वही कर सकता है और सारी चीजें भी उसी की हैं। जब मनुष्य इस स्तर पर पहुंच जाए कि मैं और मेरा का भाव उसमें न रहे, सारी चीजों को ईश्वरीय मानने लगे, हर प्राणी से प्रेम करने लगे और किसी पशु के लिए भी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहे, और ये सारे भाव बिना किसी प्रतिफल की आकांक्षा से हों, तो उसका हृदय स्वतः पवित्र हो जाएगा तथा उस पवित्र हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। ईश्वर ही सभी आत्माओं के आकर्षण का केंद्र है। द्वैतवादी कहते हैं अगर कोई सुई मिट्टी से ढकी हो तो उस पर चुंबक का प्रभाव ना होगा, पर ज्यों ही उस पर से मिट्टी को हटा दिया जाएगा त्यों ही वो चुंबक की ओर आकृष्ट हो जाएगी। ईश्वर चुंबक है और मनुष्य की आत्मा सुई। पाप रूपी मल इसको ढके रहता है। जैसे ही कोई आत्मा इस मल से रहित हो जाती है, वैसे ही प्राकृतिक आकर्षण से वो ईश्वर के पास चली जाती है और सनातन रूप से उसके साथ रहने लगती है। यद्यपि उसका ईश्वर से कभी तादात्म्य नहीं होता, पूर्ण आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप ग्रहण कर सकती है। अगर वो चाहे तो सैकड़ों रूप धारण कर सकती है और चाहे तो कोई भी रूप न ले। ये लगभग सर्वशक्तिमती हो जाती है। अंतर केवल इतना रहता है कि ये सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टि करने की शक्ति केवल ईश्वर ही के पास है। चाहे कोई कितना भी पूर्ण क्यों ना हो, वह विश्व नियंता नहीं हो सकता। ये काम केवल ईश्वर ही कर सकता है। किंतु जो आत्माएं पूर्ण हो जाती हैं, वे सभी सदा आनंद से ईश्वर के साथ रहती हैं। द्वैतवादी लोगों की यही धारणा है। ये द्वैतवादी एक दूसरा भी उपदेश देते हैं, प्रभु मुझे ये दो, मुझे वो दो। ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करने पर इन लोगों को आपत्ति है। ये समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य को कुछ न कुछ वरदान मांगना ही है, तो वो ईश्वर से न मांगे बल्कि छोटे मोटे देवी देवताओं अथवा पूर्ण आत्माओं से मांगे। ईश्वर केवल प्रेम के लिए हैं। ये तो कलंक की बात है कि हम ईश्वर से भी मुझे ये दो वो दो ऐसा निवेदन करते हैं।
इसीलिए द्वैतवादी कहते हैं कि मनुष्य अपनी वासनाओं की पूर्ति तो निम्न कोटि के देवताओं को प्रसन्न करके कर ले, वह अगर मोक्ष चाहता है तो उसे ईश्वर की पूजा करनी होगी। भारतवर्ष में असंख्य लोगों का यही धर्म है।